अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद उल फितर के स्पेशल प्रोग्राम से बिलाल हसन हाजिर है और आज हम ईद उल फितर के प्रोग्राम में बैठ के स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में हम उन ताजर बरादरी के मुंतखब अफराद को हमने यहाँ मदू किया है जिन्होंने पूरे रमज़ान कोरोना वायरस की लॉकडाउन के बायस बहुत ज़्यादा जो है सख्तियाँ भी बर्दाश्त की और मसाइल और मसायब का भी शिकार रहे, बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया, रैलियाँ भी निकाली, हुकूमत से मुतालबात भी किए, उनके इजलास भी हुए, क्या फैसले हुए वो हम सबको पता है, उस पर मज़ीद तफसीलात में जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना जानना जरूर जानता हूँ कि हमारे वो ताजिर बिरादरान जो कि हम जैसे कि SMEs कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, छोटे और दरमियानी ताजिर, ये छोटे और दरमियानी ताजिरों के जो मसाइल हैं ये मसाइल पाकिस्तान ही नहीं किसी भी मुल्क की मईशत के लिए एक बहुत ही अहम मसला होता है। हमारे ताजरों ने रमज़ान मुबारक में क्या कुछ बर्दाश्त किया और उस बर्दाश्त करने के बाद यकीनी तौर पे आज ईद उल फितर जो मना रहे हैं उनकी खुशियां हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में शायद कि ये खुशियां मान पड़ गई हैं। क्या सूरत हाल है इसी पे हम आज ईद उल फितर की इस खुशी के मौके पे जो है कुछ रमज़ान की जो माजी का एक किस्सा हो गया उसमें क्या कुछ इन्होंने बर्दाश्त किया उसमें हम थोड़ा गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आपके मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ कि मेरे पहले मेहमान हैं, अगर मैं उल्टे हाथ से चलता हूँ तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब जावेद शम्स साहब जो कि हैं सदर हैं ये कराची डिवीजन के अंजुमन ताजरान सिंध। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे दूसरे मेहमान हैं बड़ा सदाबहार शख्सियत हैं ये इलियास मेमन साहब जो कि सदर हैं ताकि रोड ट्रेडर्स अलायंस के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। और मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब आमिर आरिफ साहब जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ये कराची डिवीजन के अंजुमन ताजरान सिंध के। आपका भी बहुत शुक्रिया सर कि आप यहाँ तशरीफ लाए। नाज़रीन बात यह है कि ये प्रोग्राम आज जो भी ईद उल फितर का हम कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम की जो स्पॉन्सरशिप है वो हमारे साथ जो है गाला बिस्किट की है और गाला में है अंडे और गंदम का बेहतरीन इंतजाम, इसी वजह से इसे हम कहते हैं कि ये मेरे देश का है बिस्किट गाला। तो इस गाले बिस्किट को यकीनी तौर पर हर घर के अंदर जो है इसकी एक अपनी एक इनफरादी खसूसियत होती है और ईद उल फितर में चूंकि मीठे की तलब ज़्यादा होती है तो यकीनी तौर पर हम गाला बिस्किट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलें नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं पहले जावेद शम्स को ही दावत देता हूँ कि जावेद शम्स साहब कैसा गुजरा रमज़ान और क्या कुछ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, ईद उल फितर के मौके पर आपने हमें याद रखा और बहुत मुश्किल हालात थे कराची की ताजर बिरादरी के, सिंध की ताजर बिरादरी के, और बार बार लॉकडाउन की सूरत हाल, कारोबार की वैसी ही सूरत हाल बहुत ख़राब थी। 1.5 साल से ताजर जो है वो सरवाइव करके यहाँ तक आए, लेकिन इस बार बड़ा अजीब मामला रहा कि सिंध सरकार ने ताजरों के साथ जो है वो बैठ के कोई लायमल तय नहीं किया जिसकी वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। लोग जब ईद के दिन गले मिल रहे थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे बरमला कि हमें ईद के कपड़े तक भी नसीब नहीं हुए, तो ये बड़े दुख की बात थी। बहरहाल वो फेज एक निकल गया, आज हम खुशियों की तरफ कपड़े जो अवेलेबल नहीं हुए दुकानें बंद हो गई, इसकी दुकानें भी बंद हुई माशी तौर पे, जाहिर बात है लोगों को पैसे नहीं मिल सके, लोग मखरूज थे लोगों के, तो उस सूरत हाल में वो खरीदारी भी नहीं कर सके, ना टाइम था उनके पास और मार्केटें भी बंद थी। इस सूरत हाल में बहुत मुख्तलिफ मसाइल थे लोगों के अलग अलग, जिससे जो मिला वो एक अलग दास्तान लेके बैठा हुआ था और बहुत दुख हो रहा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान के बाद हमें ईद का तोहफा दिया तो आज हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लेकिन ईद में जो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपने जो रमज़ान उससे कबल जो कोरोना वायरस की वजह से जो भी आप लोगों को जो मसले मसाइल मुश्किल हुई और फिर रमज़ानों में सबसे ज़्यादा जो एक अफसोस का मकाम ये था कि मुख्तलिफ मार्केटें सील हो रही थी ईद से मेरे ख्याल में 72 घंटे पहले आपको लॉकडाउन हो गया, तो इसकी वजह से मजमूई तौर पर क्या कारोबार वक्त पड़ा? देखिए तकरीबन जो सूरतयाल रही जो एक अप्रॉक्सीमेट हिसाब लगाते हैं कि 12 अरब या 15 अरब की ख़रीदारी की तरफ जाते हैं, तो इस बार हम बहुत नीचे थे, 20 से 25% बमुश्किल कारोबार हो सका और उसमें भी लॉकडाउन लगने के बाद और दुकानें सील और मार्केटें, देखिए 3-3 दिन बाजार जब सील किए गए तो ये बड़ा मुश्किल मरहला था क्योंकि एक तो वैसे ही दिन कम थे, एक महीने के अंदर आपने 8 दिन तो बंद कर दिए बाजारों को, फिर पीछे अगर 3-3 दिन आपने बाजार बंद कर दिए तो जो दुकानदार किसी को पेमेंट देनी है, किसी को माल की खरीदारी करनी है, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और कुछ जगहों पर तो ऐसा हुआ है कि इस रमज़ान में आखिरी दिनों में भी जो है मार्केटें सील हुई हैं और उस सील होने के बाद लोगों को ख़रीदारी नहीं कर सके, नए कपड़े जूते नहीं मिल सके और ख़ास तौर पे बच्चों की ख़रीदारी वो बहुत डिस्टर्ब हुई है, लोग परेशान घूम रहे थे कि बच्चों के लिए तो कम से कम नए कपड़े या जूते हम ले लें, लेकिन ना उनके पास पैसे थे क्योंकि माशी तौर पे परेशानी थी, मुश्किल हालात थे, दूसरा बाजार बंद होने की वजह से लोग इस बार ईद की सेलिब्रेशन नहीं कर मतलब कि बहुत सारे लोगों ने नहीं कर पाए। इलियास भाई तारिक रोड बहुत ही मेन इलाका है, आप सदर कभी जो अलायंस है उसके भी आप नुमाइंदगी करते हैं, मेरा अपना दातिर
मेरा ये है कि लोग ये कहते हैं कि इस दफा जो मतलब ये कि रिटेलर्स बड़े फायदे में रहे और रिटेलर्स ने मुंह मांगे दामों में जो चीजें खरीद की हैं लॉकडाउन से पहले, यानी कि हफ्ते की शाम छह बजे तक मुंह दांगे बेची। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ है आपके होलसेलर को, कि होलसेलर तक पैसे रिटेलर नहीं पहुंचा पाए और रिटेलर्स ने अपना तमाम माल बेच दिया, तो रिटेलर तो नुकसान में नहीं रहे। नहीं, 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ रिटेलर की बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा तो कांधे कारोबार होगा, 4 दिन में बहुत कारोबार हो जाएगा। इन्होंने तो अचानक लॉकडाउन करा ना, इन्होंने तो लॉकडाउन का तो ये तरीका था, पहले से ऐलान हो रहा था ना, वो तो असद उमर ऐलान कर रहा था ना, वफाक सुबह तो ऐलान नहीं कर रही ना, 7 मई को होता है, 9 महीने को 6 बजे बंद करने वाली बात है। इतना नुकसान हुआ, 20% 25% कारोबार हुआ है। आप ये मत समझो 100% कारोबार हुआ, जो कहता है वो झूठ बोलता है, कारोबार इतना ही हुआ है। आप हिसाब करें, अभी 3-4 दिन लॉकडाउन हुआ है, टेलर मास्टर को बंद करवाया, उठाया सब कुछ कर, जो टेलर मास्टर कपड़े सी रहा है, सब कुछ सी रहा है, वो कहाँ जाएगा? ये बड़ी हल्के की बात है, टेलर मास्टर ये कारखाने जो बेचारे जो पंजाब से आए हुए मास्टर यहाँ पे, कल 65 आदमी कल फिरोजाबाद थाने में बंद थे, सारे टेलर मास्टर बंद थे, वो बेचारे क्या करेंगे? गरीब आदमी है, कुछ भी हमने छुड़वाया, वजह क्या थी? बस उठा के ले गए, 8 मोबाइल है, इनको उठा के ले गए, बंद कर दिए। दुकानें नहीं, टेलर मास्टर कारखानों में काम कर रहे थे, कुछ दुकानदारों को डिलीवरी देनी थी, जो कस्टमर आए हुए थे हाजमे कपड़े सिले हुए, सब कुछ खिलाओ, अचानक बंद है, वो टाइम तो देगा, किसी को चांदार को देना था, किसी को किस में देना था, वो अचानक सब बंद कर दिया, उसकी वजह से बहुत परेशानी हुई है। खैर, हमने तो फिरोजाबाद लोगों को छुड़वाया, किसी से 1 रुपया किसी ने ऐसे चुन, किसी ने पैसे नहीं लिए, सबको छोड़ दिया, सबको आखिर तक छुड़वाया। आखिरी दिनों में तंग जो किया जा रहा था कुछ मफादात, मतलब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, मैं तो नहीं कह सकता माफा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे SSO खटक साहब ने हमारी बात सुनी, सबको आदमी को छोड़ा, बहुत छोड़ा, किसी ने आवाज लगाई 5-5 हजार, हमने कहा 1 रुपया कोई मत देना, वैसे सुनने किसी से 1 रुपया नहीं लिया, ऐसे लोगों को छोड़ा, किसी 188 की FIR कर दी, उनको भी जमानत पर हमने छोड़वाया, सबको घर पे भेजा। लेकिन मेरे भाई दबड़दू एकदम करने की क्या बात है, आप 2 दिन पहले सब कुछ करो, टेलर मास्टर कपड़े सी रहा है, बेचारा लॉल्टर के कपड़े सिले, अभी भी फोन आ रहे हैं कि लोगों को कपड़े नहीं मिले, अब क्या करेगा इसमें? तो ये काम मतलब तो ईद पे भी लोग कपड़े नहीं, ये ईद पे भी लोग कपड़े नहीं पहन सके, अंदाजा तो कर लो, जूते नहीं कर, बच्चों की गारमेंट कुछ भी खरीदा अच्छा, नहीं एक बात और दूसरी मैं आपके बात और कर रहा हूँ, जो आदमी कारोबार जो बिजनेस में जो 15,000-20,000 उनको ना उनको बोनस मिला ना उनको तनख्वाहें मिली, वो तो बेचारे कपड़े ले भी नहीं पाए, वो तो कह रहे हमने कपड़े ईद पे हमने कुछ कपड़े पहने ही नहीं, ये बात तो 100% बात है, ये बात तो मैं खुद भी करेंगे, बहुत सारे लोगों को तनख्वाहें जो है वो महीने के आखिर में मिलती हैं, या दुकानदार जब वो कमाएगा तो पैसा देगा, तो लेकिन बहुत सारे लोग मिली नहीं ना तनख्वाही, मिली बोनस वगैरह नहीं, तनख्वाही रह गई ना, जो डबल दिहाड़ी पे काम कर रहा था जूतों वाले की दुकान गार में, वो तो मर गया, वो तो उसके तो बेचारे 8-10 दिन के लिए आते थे, चलो हम शाम को बैठेंगे रात को 2 बजे। यानी कि ये ईद जो हम मना रहे हैं ये ईद में गम ज्यादा है, और गवर्नमेंट को खुद को सोचना चाहिए था, इन्होंने एकदम अचानक ऐलान भलक नहीं करा, लेकिन सोच के कम आखिर में 2-3 दिन, हालांकि जुबेर मोतीवाला साहब ने कोशिश करी, सब छोटे सब ने कोशिश करी कि बाजार खुल जाए, हमने भी बहुत मीडिया में बोला कोई सुनवाई नहीं हुई, इसी तरह बैठा रहा, इसी तरह मुसीबत। अल्लाह ताला आपको इसका अजर तो देगा यार, रमजान में आपने रोजे रखे, और मैं आपको एक बात और बताऊं, आप ये कोरोना मैं कहता कोरोना है, मेरे बहनों को हुआ है, मेरे भांजे को हुआ है, सबको कोरोना घर में है, मेरे में मना नहीं कर रहा, कोरोना घर में है। हाँ हाँ अच्छा, मेरे उसको पकड़ा नहीं आपने? मैं पकड़ा नहीं, मतलब मेरे सगे बहनों ही को हो गया, मेरे भांजे को हुआ है, मेरे सबको, हमारे घर का साथ भी, आज ही पता चला। अच्छा, मजे की बात है, मैं आपको बता दूं कि इलियास मेमन साहब जो है ये मुस्तफा वेलफेयर सेंटर के जो है ट्रस्टी भी हैं, और मुस्तफा वेलफेयर सेंटर जो है मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत बड़े काम कर रहा है, और यहाँ नहीं पाकिस्तान कराची नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी बात है कि इनको हमसे ज्यादा इस मामले में मुताल कि कोरोना की क्या सूरत है। मैं तो अभी भी आज भी कल आज तो बंद पर टेस्ट हो रहे हैं, आप यकीन माने बिलाल भाई, 3-4 आदमी ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस निकल ही नहीं रहे, और रश भी नहीं है, जो लोग कोरोना है सिंध गवर्नमेंट कहती है, नासिर शाह ये सब ये कहते हैं, 12% कोरोना है, 12% अब एक बिल्डिंग में 10 आदमी है, 500 बिल्डिंग है, तो क्या रेशियो हुआ उसका? चले वो ये लंबी बहस है, मैं जरा आमिर आप से करूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा इसमें। देखें आमिर साहब, खैरियत से ठीक ठाक है, कैसी रही ईद? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, अल्लाह का एहसान था, इबादतों में ज्यादा गुजरी ईद, क्योंकि टाइम बहुत था ताजरों के पास इस साल, क्योंकि ये पहला साल था जिसमें ताजरों के पास घर वाले परेशान तो नहीं हुआ आप लोगों से? बस घर में पड़े रहते थे, काम कोई था नहीं, कि बच्चे भी शक्ल पहचान गए होंगे हमारे अबू हैं। लेकिन बहरहाल आमिर साहब एक बात आप मेरी शायद आप करें ना करें, लेकिन ये कि माने ना माने, लेकिन बहरहाल मैंने खुद भी देखा
चूंकि मैं खुद भी एक ऑन द स्पॉट प्रोग्राम करता हूँ, मजिस्ट्रेट के साथ मार्केट में भी होता हूँ, मैंने देखा कि दुकानदारों ने एसओपीस की खुल्लम खुल्ला धज्जियां भी करी हैं। सर दुकानदार किस तरह एसओपीस पर अमल करेंगे पहले तो ये बताएं ना, क्या आपने दुकानदार को क्या लगा दिया, आपने नौकरी दे दी कि गवर्नमेंट ने? भाईजान दुकानदार है, उसकी दुकान में तीन बंदे, एक दुकान का मालिक है, दो उसके लोडर है, छोटे दुकानदार की बात कर रहा हूँ मैं, होलसेलर की या बहुत बड़े कारोबार करने वाले की बात नहीं कर रहा, छोटे दुकानदार, दो उसके पास एक सेलमैन हो गया और एक लोडर हो गया और एक मालिक हो गया, तीन बंदों का स्टाफ है, वो आने वाले कस्टमर को पहले मास्क पहनाएगा या उसको हैंड सैनिटाइजर करेगा, उसके बाद वो दुकान अपने पैसों से दे, फिर सारी चीज अपने पास से दे रहा है, साथ में वो एक एक्स्ट्रा बंदा रखा हुआ है, वरना ना कि ये होगा कि वो आएगा तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो ईद के बाद, ईद अभी गुजर गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जब दुकानें खुलेंगी ना तो हमने तो ये खुल्लम खुल्ला ऐलान करेंगे, अंजुमन ताजरान सिंध कराची जो है ऐलान करेगी कि हम जो है एसओपीस पर खुद अमल करेगा दुकानदार, कस्टमर को अमल नहीं करवाएंगे हम, कस्टमर के जिम्मेदार हम नहीं है। तो पहले क्यों नहीं की थी ये बात? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि कस्टमर की जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते हैं यार, हम कैसे जिम्मेदारी ले, वही वाली बात है ना, ये इंतजामिया की जिम्मेदारी है। सब्जी को बागी तो बात कही है, हम सबने कही है कि देखें एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा तो कोई भी नहीं कर सकता जी, इंतजामिया की जिम्मेदारी है ना कि वो जो लोग रोडों पे घूम रहे हैं उनको मास्क पहनवाए, इनसे बोले मास्क पहन, इंतजामिया ने ये जिम्मेदारी हमें डाल दी और अपने नोट गर्म करने की मशीन खुद लगा दी, मार्केट मार्केट सील कर दी, मार्केट सील करने की कंडीशन तो ये हजरत बिलाल भाई ये समझ लें कि पैसे दे दो तो उसी टाइम खुल रही है, अच्छा उसी टाइम मार्केट भी खुल रही है उसी टाइम, ये बड़ा हैरतनाक इंकशाफ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जगह हो रहा है, आपको ही पता है अभी इसी माशरे का इतना। मेरा ख्याल है कि ये गुफ्तगु से जारी है, मुझसे कहा जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक के लिए, हमें ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो यकीनी तौर पर बहुत सारी और इंकशाफात आपको यहाँ सुनने को मिलेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद उल फितर के स्पेशल प्रोग्राम के ट्रांसमिशन में मौजूद हैं और इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हमारे साथ ताजर हजरात मौजूद हैं, और जैसे कि ये वक्त में जाने से कबल हमारे तीनों ताजर हजरात ने जो भी बात कही यकीनी तौर पे आपने भी सुनी होगी, और उसमें किसी हद तक मैं तो अपनी राय नहीं है लेकिन आप राय कायम कर सकते हैं कि कहाँ तक उसमें सदाकत है और कितना दर्द है उसके अंदर। जी जावेद शम साहब, दर्द पैदा करें ना अपनी बात में कि जनाब के ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये बात है, सारा कसूर हुकूमत का नहीं है, सारा कसूर अवाम का नहीं है, ताजिरों का भी कसूर है कि उन्होंने इजलास में जब हुकूमती इजलास हुई तो उसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम मास्क भी देंगे, हम हैंड सैनिटाइजर भी देंगे और अपने लोगों को भी जो है वो एसओपीस का फॉलो करेंगे, लेकिन जब ये दुकानें खुल गई सब कुछ हो गया उसके बाद हमें एसओपीस कहीं नजर नहीं अच्छा, आया। मुझे एक बात बताएं बिलाल भाई कि एक जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर आता है या डीसी आता है या मुख्तारकार आता है, वो एक कार में चार आदमी बैठ कर आते हैं, वहाँ छः फीट का फासला महलूज खातिर नहीं रखा जाता, वो मास्क पहने होते हैं सर, कोई मास्क नहीं पहना, अच्छा खुशगवार माहौल है लेकिन कम्युनिकेशन का गैप रहा है, अगर इंतज़ामिया ताजरों के साथ बैठ जाती है हमारे साथ तो हम इनको पूरे रमज़ान में वो फैसिलिटेट करते, हम सैनिटाइजर भी लगाते, पिछले लॉकडाउन में भी किया ताजरों ने। अच्छा चले छोड़ छोड़े ये सारी चीज़ें, ये तो मेरे ख्याल पे अच्छा आप ये सैनिटाइजर को देखिए, बात वो होती है कि हम भी मजिस्ट्रेट के साथ जाते रहे, दूसरे भी जाते रहे, हर आदमी ने मास्क पहना होता था मेरे सामने की बात हमने देखा, लेकिन बात वही होती है ना कि नेग्लिजेंसी जो है वो हुई आवाम की जानिब से भी, आप लोगों की जानिब से भी, ठीक है कि आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, सील कर दी गई दुकान, वो ठीक है छोड़ दें, ये अपनी कहानी, मुझे ये बताएं इस माह रमजान जो गुजरा इसमें गरीबों के लिए, यतीमों मसाकीन के लिए ताजिरों ने क्या किया? देखें सबसे पहले तो मैं आज आपको ये बात बता दूं कि ताजिर कराची का वही ताजिर है जो हमेशा पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है और होता रहेगा। इस बार चूंकि कारोबारी मामलात बहुत ख़राब हुए हैं, इनकम बहुत कम हुई है, ज़कात का रेशो भी नीचे आया है, लोगों ने जो हेल्पिंग हैंड था वो भी स्लो हुआ है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि आखिरी चंद दिन में जो तीन दिन पहले के दिन थे ईद उल फितर से पहले के, उसमें मैंने देखा खवातीन बच्चों को लेके जो है वो गलियों में घूम रही हैं कि भाई इसका कहीं से जोड़ा मिल जाएगा, इसकी चप्पल, और वो बच्चा अपनी माँ के कपड़े खींच रहा है, अम्मी मैं ईद के कपड़े पहनूंगा, आप फील करें सर, अगर आपका नहीं, बच्चा देखें वो खातून तो पैसे लेके गई ना, दुकान नहीं खुली हुई है, मैं मान रहा हूँ आपकी बात, नहीं सर मैं कह रहा हूँ कि जो मुस्तहकीन थे उनके लिए हमारे यहाँ मेरे ख्याल कराची शहर मशहूर है, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि तादाद में यतीमों गरीबों के लिए मदद करना, तो इस दफा ताजिरों ने
क्या मदद करने में कुछ कमी की कि जिसकी वजह से कुदरती कमी हो गई ना, माशी तौर पर खुद कमी हो गई ना। अगर कोई शख्स 200 सूट देता था गरीबों में तकसीम करने के लिए, वो 50 पे या 100 पे आ गया, 80 पे आ गया, लिमिट पे आ गया। एक छोटा ताजर तो अपनी पूरी कुल कायनात को लगा के बैठता है ना, छोटे ताजर को तो आपने हिलने ही नहीं दिया, हिलने ही नहीं दिया। अच्छा, आपने भी कुछ देर पहले कहा कि जी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर उनका पैसा ब्लॉक हो गया, मैन्युफैक्चरर को डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा नहीं आया, ये पूरा सिस्टम रुका है ना। रिटेलर फायदे में रहा, रिटेलर फायदे में रहा, रिटेलर में बात तो केस आ गया। और फिर एक चीज और आपके साथ हुई कि अचानक जो है 29 की रात को जो है आपने ऐलान कर दिया कि जी अगले दिन जो है वो ईद उल फितर है। तो आप सोचे ना कि जिनके कपड़े रह गए, जिनके पैसे रह गए, उन्होंने ईद कैसे सेलिब्रेट करी होगी। ये ईद बहुत तकलीफ में गई है सर, इसमें हुकूमत ने उन्होंने ईद कैसे सेलिब्रेट करी होगी। ये ईद बहुत तकलीफ में गई है सर, इसमें हुकूमत ने गुज़िश्ता जो बरस ईद थी उसके मुकाबले बेहतर थी सर, वो बेहतर थी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने ताजरों को ऑन बोर्ड लेके उनकी बात को माना और मार्केटों को जब रात देर तक खोला था तो आप देखें रश कम हुआ था। आप खुद बाजारों में आए थे आखिरी दिन चांद रात को पिछले साल, आप मार्केट खुल गई थी, बिल्कुल खुल गई थी ना। क्यों खुली थी? लोगों को चीजें चाहिए थी सर, लोगों को सेलिब्रेशन चाहिए। कराची ने बड़े दुख देखे हैं, कराची ने बड़ी तकलीफें देखी हैं और कराची एक मिनी पाकिस्तान है, तमाम इकाइयों का शहर है। हमें उन इकाइयों का भी ख्याल रखना है, खाली ऐसा नहीं है कि मेरा और आपका कराची, कराची उर्दू बोलने वालों का है, कराची सिंधी बोलने वालों का है, पूरी कौम का है, पूरी पाकिस्तान के तमाम इकाइयों का है, जितने इसीलिए मिनी पाकिस्तान कहते हैं। इसीलिए कहता हूँ ना सर, सबब एरिया से जो गरीब आता है कराची के अंदर अपने जो ईद की खुशियों के लिए, कपड़े लेने के लिए, ज़कात के लिए, फितरे के लिए, वो उस तरह नहीं मिल पाया उसको जैसे गुज़िश्ता साल या पिछले वर्षों में मिलता है। बिल्कुल रहा है, फर्क आया साहब। आप तो माशाल्लाह, आप लोगों को तो एक मुस्तफा वेलफेयर सेंटर के हवाले से आप लोगों को राशन की तकसीम या बाकायदा मेडिकल सेंटर वगैरह सारा, क्या सूरत हाल रही? क्या इस वक्त कुछ कम हुआ? डबल हुआ, पैसे ज्यादा पैसे मिले, मैंने लोगों की तरफ से आपको ज्यादा पैसे मिले, इस जगह ज्यादा फंड जमा हुआ है। तो आप लोगों ने तकसीम कैसे किया? तकसीम करा फंड, मतलब हमारे जो हमारा वेलफेयर है अकाउंट नंबर है, लोगों ज़्यादा बाहर से पैसे बहुत हैं, यहाँ लोगों ने पैसे जो 25 लाख दिए उसने 50 लाख दिए, जिस 10 लाख दिए उसने 15 लाख दिए, इसने 5 लाख दिए उसने 10 लाख दिए। लोगों तक पहुँचा नहीं पहुँचा 100%। हमने करोड़ों रुपये का राशन बांटा है, कपड़े दिए, सब कुछ दिए, हर चीज़ दिए, हम अपने हिसाब से जो भी कर सकते हमने करा। यहाँ पे एनजीओ बहुत सारी रोज से बहुत वेलफेयर काम कर रहे हैं, हम लोग सब ने काम करा है, सब ने गरीबों को पैसे दिए, गरीब सामान बांटा, पैसे दिए, कपड़े, लोगों ने जब कैश पैसे लोगों ने ज़्यादा मांगे राशन के मुताबिक, हमें कैश पैसे ज़्यादा थे, हमें जरूर ज़्यादा, लोगों के घर के किराए नहीं भरा हुआ, परेशान, इसी 25,000 तन का उन्होंने भी राशन मांगा, पैसा मांगा, उनको दिए, जो भी सकता हमने दिए, मना नहीं करा। और इस दफा फंड भी ज़्यादा जमा हुआ है, लोगों ने खुल के पैसे दिए, इस दफा ऐसा मसला नहीं कि नहीं दिए, मैं मानता हूँ छोटे पैसे तो दिए, लेकिन क्या वो डिलीवर हुआ? 100% हमारे पास लिस्टें बनी हुई है, हमारे पास लिस्टें बनी हुई, एक आदमी की लिस्टें बनी हुई, उनको फोन करके बुला के दिया है, राशन घर पे, लोगों घर पे हमने राशन पहुंचाया, हमने कोई भी आके लेते उनके हाथ से राशन पहुंच जाए। लोगों ने कैश की डिमांड ज्यादा करी, 100% के स्विगी गैस के बिल पे, जितने भी लोगों ने भाई हमें आप राशन बदले हमें पैसे दे दे, 15,000 दे दे, 20,000 हमने दिए पैसे, क्या करें, मजबूरी बात, जिसकी 15,000-20,000 तनख्वाह है वो पूरा कर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन तो कर दिया, क्या फायदा दिया हमें? को कर्जा दिया हमें? को पैसे दिए? कर तो दिया, सब कुछ बंद करवा दिया, क्या करा हमारे साथ? जो ताजी बिरादरी का आखिर में जो पैसे अरबों करोड़ों फंसेंगे वो कौन देगा पैसे? ये टैक्स को देगा कोई भी? इनके हमारे हालत में आ गई है ताजी बिरादरी के, जो पैसे आपने ईद के दिन, ईद के बाद जून में तो बजट भी आया, बजट भी आएगा, अरबों रुपए का टैक्स नहीं गया, टैक्स कौन देगा पैसे? अभी पीर को आज दूसरा पहला दिन ईद, दूसरा दिन ईद का है, आपकी हालत क्या होगी इसके बता दें आप, क्या करेगा आदमी बताएं आप? नाजिम गुफ्तगू सिलसिला जारी है, यहाँ पर मैं एक बार दोबारा आपसे कह दूं कि गाला में है अंडे और गंदम की बेहतरीन इम्तिजाज, ये जो प्रोग्राम आज हम आपको नशर कर रहे हैं ये हमारी गाला बिस्किट की जानिब से इसको स्पॉन्सर किया गया है और यकीनी तौर पर हर घर की जो जरूरत होती है वो गाला बिस्किट है और गाला बिस्किट की खिदमत में इस्तेमाल किया करें, इसलिए कि ईद उल फितर में मीठी ईद इसको कहते हैं और इसमें मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और गाला को इस्तेमाल करें, यकीनी तौर पर आपको भी ये पसंद आएगी। आमिर आफिस आरिफ साहब, आप बड़े खामोश हैं, मेरे ख्याल है कि आप कुछ प्रेशर ले रहे हैं कैमरे मेरे का, क्या नहीं ले रहे? अच्छा, ये बात तो तय है ना, अलहमदुलिल्लाह, ये बात तो तय है कि मतलब बहुत ही खुल के बताइएगा। अक्सर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा कभी, अभी तो मुझे नहीं हुआ, अक्सर लोग कहते हैं कि ईद पे जो दुकानदार होता है, जो चीज़ें फरोख्त कर रहा होता है, वो चीज़ों के रेट बढ़ा देता है। इस वक्त जो मार्केट के अंदर पोजीशन है ना, कंपटीशन की है, वो बढ़ा सकता इस तरह से है नहीं,
जिस तरह से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो रही है, जिस तरह से टैक्सेस लग रहे हैं, हर दूसरे दिन एक नई लिस्ट आ जाती है, हर रोज़ प्राइस इंक्रीज़ हो रहा होता है। लेकिन वो दुकानदार जो है बेचारे सूरत में मर रहा होता है कि आगे वाला जो रेट है वो पीछे से फिर महंगा हो जाता है। आपके कारोबार किस चीज़ का? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ले लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आए दिन पता चला जनाब ये कि एसी की कीमत बढ़ गई, फ्रिज की कीमत बढ़ गई, फलां की कीमत बढ़ गई। लेकिन बात वही होती है कि आप अगर रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं तो सिर्फ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार है तो आप एक कपड़े वाले को भी रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, आप एक ग्रोसरी वाले को भी कर रहे हैं। लेकिन बात वही होती है कि ये एक आम तासुर है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इवेंट पे चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं, हमारे यहाँ बढ़ जाती हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अपनी मार्केट है उसके अंदर बाकायदा दुकानदारों ने, यूनियंस ने, अंजुमन ताजरान सिंध ने जो मार्केट के दुकानदार थे उनसे रابطे किए हैं और उनसे एक एक आइटम पर हमने रिलीफ लिया था। एक एक आइटम पे चावल के ऊपर लिया, किसी दुकानदार ने चावल पे दिया, किसी ने रू अफजा पे दे दिया, इस तरह से किसी ने मुख्तलिफ चीज़ों पे दिए दुकानदारों ने, किसी ने आटे पे सब्सिडी दे दी, इस तरह सब लोगों ने दिए। लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट तो मैं बात यह है कि सिंपल सी बात है कि ये बात तय है और एक बहुत ही भी है कि लोग कहते हैं कि दुनिया भर में जो है वो ईस्टर में और क्रिसमस में चीजों की कीमतें घट जाती हैं, हमारे रमजान में जो है वो मुनाफा हर चीज पे नहीं दिया, सिर्फ एक एक आइटम पे दिया। और हमारी ये मीटिंग्स जो हुई थी ना असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी साहब से हुई थी, तो उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट करी थी कि आप ऐसा करें कि कोई रिलीफ दें आप, तो हमने बाकायदा रिलीफ दिया। तो बाकायदा हमारी मार्केट्स के दुकानदारों ने बैनर भी लगाए अपनी दुकानों के आगे कि ये हमने इस चीज़ पर रिलीफ दे रहे हैं, तो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने परचेज करे। लेकिन ये बात तय है कि मैं आपको चाहे कोई भी कारोबार हो, चाहे कपड़े का कारोबार हो, इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार हो, चाहे कोई भी कारोबार हो, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें सस्ती नहीं होती इवेंट पे। देखिए वो नॉर्मल प्राइस चलते रहते हैं, जिस तरह प्राइस आ रहा होता है इस तरह बिक रहा होता है, कोई नाजायज मुनाफाखोरी। और इस मुर्गी का गोश्त आम दिनों में 350 रुपए किलो था, रमजानों में 500 रुपए किलो हो गया, 500 रुपए किलो हो गया। और इसके अलावा आप मुझे आ जाए, चने की दाल की कीमतें थी वो 190 रुपए भी चली गई, बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, जो इसमें बिलाल भाई माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं कि दुनिया में अगर प्राइस नीचे जाता है ना, दुनिया में ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, ब्रांड की शॉप्स होती हैं, आउटलेट होती हैं, वो ब्रांड जो होते हैं अपनी तरफ से रेटों को कम करते हैं। हमारे यहाँ जो सिनेरियो है वो बिजनेस का डिफरेंट है, हमारे यहाँ अलग आउटलेट्स इतनी ज्यादा नहीं है, जनरल शॉपिंग ज्यादा होती है, इंडिविजुअली दुकानदार अपने नफे को कम नहीं करते, तो ब्रांड वाले भी तो कम नहीं करते भाई। सर ये तो अलमिया है, हमें ये तो दुनिया को बताना चाहिए कि ये मुसलमानों की तरफ से होना चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि कराची या पाकिस्तान लेवल के ऊपर वो जो रिलीफ मिलना चाहिए लोगों को ईद पर, खासतौर पर ईद उल फितर पे, वो नहीं मिल पाता। आप ये महसूस करते हैं ना कि बिल्कुल ताजर जो मुनाफाखोरी करते हैं, ये तो इस्लाम में भी है, बाकी नाजिन एसोसिएशन तीनों की अलग अलग है, तीनों की अलग अलग इख्तलाफात अपने अपने होंगे, लेकिन इस लफ्ज पे जो नाजायज मुनाफाखोरी पे तीनों इकट्ठे हो। आप कुर्ता पहले भी ले, अभी जो चले मुझसे वक्फे के लिए कह रहा, वक्फे के बाद हम दोबारा बात करेंगे। नाजिन प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और हम एक थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नासिर प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। ये ईद उल फितर की स्पेशल ट्रांसमिशन है और इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जहां के हम बहुत सारी गुफ्तगु करते हैं जिंदगी के आम शोबे के हवाले से, तो आज हमने इस प्रोग्राम में खास तौर पे ताजरों के लिए मखसूस किया हुआ है और ताजरों की जो मसाइल मुश्किलात हैं उसी में गुफ्तगु कर रहे हैं। वफे में जाने से कब जो है वो कुछ तीनों सारे एसोसिएशन के लोग अलग अलग होते हैं, अपनी अपनी गाना गा रहे होते हैं, लेकिन एक नाजायज मुनाफाखोरी को तीनों इकट्ठे हो गए थे। बहरहाल हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि गाला में है अंडे और गंदम का बेहतरीन इंतजार, जिसकी वजह से ये गाला जो बिस्किट है इसे बेहतरीन बनाया जाता है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की इसकी क्वालिटी होती है, इसीलिए लोगों का कहना है कि मेरे देश का है बिस्किट गाला। तो गाला इस्तेमाल करें, ईद उल फितर पे मीठी ईद है और मीठा इस्तेमाल करें, यकीनी तौर पर आपको भी पसंद आएगा। मैं पहले ले लूँ लियाज साहब को, लियाज साहब बहुत नाजायज मुनाफाखोरी से इसलिए कह रहा था कि देखिए ये बात तो तय है, इसमें तो आप शक नहीं करेंगे, आप भी कंज्यूमर हैं, आप भी खरीदार हैं, आप कोई भी कारोबार करते हैं कपड़े का, लेकिन आप दूध खरीदने जाते हैं, आप गोश्त खरीदने जाते हैं, तो सारिफ आदमी हैं, कंज्यूमर आदमी हैं। मैं एक होल बिजनेसमैन की ले रहा हूँ, चाहे वो अंडे बेचने वाला है, चाहे मुर्गी बेचने वाला है, चाहे गोश्त बेचने वाला है। हमारे यहाँ ईमानदारी की बात यह है
कि जब कोई इवेंट आता है या खरीदारी का रश बढ़ता है तो हम रेट बढ़ा देते हैं? ये हकीकत बात है, मैं ग्रोसरी में मानता हूँ उसमें महंगाई है, मैं इसकी 100% सच्ची बात है। दूध में महंगाई नहीं है कि मुर्गी और गोश्त में महंगाई नहीं है? वही सब में महंगाई, हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। इसमें मुनाफा कोई है? इसमें इसके अंदर है, मैं मना, डबल दाम बेच रहे हैं, हर चीज डबल दाम बेच रहे हैं सर इसके अंदर। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने राशन का बोरा बनाया रमजान में, हमने बनाया था 1500-1200 के बोरों में फर्क आया, 1500-1200 बोरों में फर्क आया है। चीनी 110 रुपए किलो, तेल 280 रुपए, आप हिसाब को, आटे का जो आर्डर 310 रुपए था वो 550-600 में 10 किलो का आटा मिला है आपको, तो कितना फर्क आ गया। दाल महंगी, चीनी महंगी, बेसन महंगा, सब कुछ महंगा था। गवर्नमेंट के सस्ता है, घबराओ मत, इधर इतनी घबराहट कर दीजिए को पूछो मत। इमरान खान तो कहते घबराओ मत, घबराहट तो इन्होंने कर दी है, इन्होंने ऐसी तैसी तो कर दी है पाकिस्तान की, इन्होंने क्या बोलेंगे बताइए आप। इनको सोचने, बैठ के सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को खुद रिलीफ देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जो आपने एक दफा जो आपने एक आम सा जो राशन का बैग बनाया और गुज़्ता ब्रश बनाया था, उसमें कितना डिफरेंस आया? देखिए जो 2200 का जो राशन जो बना है वो पिछले साल था 1500 रुपए का, 700 रुपए का। जो बड़ा जो 4000 रुपए का राशन बना है वो पिछले साल 2800 रुपए का था, उसमें इतना फर्क आ गया, 1800 रुपए का फर्क, बहुत ज्यादा महंगा, हर चीज महंगी। मैं जो 310 रुपए का चल रहा था तो वो भी जो ताजर है वो भी वो क्या कह रहे हैं, महंगा मिल रहा आटा, वो कह रहा आटा वो मुनाफाखोरी नहीं कर रहा। मुझे अल्लाह देखे मेरी बात, सब्सिडी चीनी कम नहीं मिल रही, हमने बहुत कोशिश करी, नीचे सामान नहीं दिया उन्होंने, नहीं नहीं खैर सामान तो मिले नहीं, नहीं मिला ना, नहीं 285 रुपए का रू अफजा का बहुत, अब क्या करेगा ना, बहुत नहीं, पहले तो हमसे मिलता था, हम दे रहे थे, चीनी नहीं दे रहे, चीनी नहीं दूंगा, आटा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो तो बेकार है। चीनी देखें, इस बात का मैं भी मुखालिफ हूँ कि वो 68 रुपए जो चीनी दे रहे थे, हमारे यहाँ लोग जो है ना स्टॉक कर लेते हैं, मतलब ये कि 10 साल के लिए मेरा जरूरत पूरी हो जाए, हमारे यहाँ लोग भी तो बचाते, मतलब कि इस बात में बात नहीं करते। मैं आपकी बात जितनी जरूरत होती है, मैं बात कर रहा हूँ वफाक या सूबा 18वीं तरमीम का, इस सूबाई के सूबाई को निकला, असिस्टेंट कमीशन निकला प्राइस को, आप तो साथ घूमते रहते हैं, आप तो हर चीज आपको पता है कि कंट्रोल हुआ प्राइस, 130 रुपए दूध बिक रही है, 200 रुपए का दही बिक रहा है, अच्छा, सब कुछ बिक रहा है, क्या क्या काम होगा, क्या दुकानदार को जरूर उन्होंने जुर्माना किया, लेकिन जहां से तरसील हो रही है दवाइयां कितनी महंगी है, दवाइयां दोस्तों दवाइयां कितनी महंगी हो गई है, माई टीका का एक पत्ता 90 रुपए का आता था, 200 रुपए का। दवाइयों के हवाले से बता दूं और दूसरी चीजों क्या, बहुत सारी दवाइयों में जो आपका खाम माल इस्तेमाल होता है वो इंपोर्ट होता है, 80% आपके इंपोर्ट होता है, ठीक है जी, डॉलर के रेट बढ़ गए और इन्फ्लेशन आप बात ये नाजिम की हमारे पास थोड़ा टाइम लगे, हम इस प्रोग्राम को आपकी गुनगुनाहट के साथ खत्म करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आपको जल्दी ले ली। नाजिम बात यह है कि ये ईद उल फितर की स्पेशल ट्रांसमिशन थी, इसमें एक पैगाम था गाला वालों का कि जो बिस्किट बनाते हैं गाला में है अंडे और गंदम का बेहतरीन इंतजार, और ये है मेरे देश का बिस्किट गाला, इसकी स्पॉन्सरशिप में हमने ये प्रोग्राम किया और हमारे ताजरों के साथ मौजूद थे जिसमें जावेद शम्स, इलियास मेमन साहब और आमिर आरिफ साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस प्रोग्राम का एंड हम करेंगे, हम चाह रहे थे कि मेहमान थोड़ा सा गुनगुनाएंगे और इस गुनगुनाने के साथ ही जो है इस प्रोग्राम का एंड करेंगे, तो मैं ऐसे पेशगी आपसे इजाज़त ले लूँ, इंशाल्लाह ताला इस किसी और वक्त में आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी इस ईद उल फितर की स्पेशल प्रोग्राम से, आपको मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ और इस गाने के साथ ही हम फिर एंड कर लेंगे। जी मिली नगमा होना चाहिए पाकिस्तान का, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।